दिल्ली दे विच मैं समझदा कि एक सिखां दा इतिहास बनिया नैशनल सिख कंक्लेव। हिंदुस्तान के हर कोने चों इत्थे सिखां नूं बुलाया गया, रिप्रजेंट करदे जेहड़े कम्यूनिटी नूं, भावें उह सिंह सभावां दे विच वड्डियां या उत्थे दी कोई मिनोरिटी कमीशन नाल कनैक्टेड ने जेहड़े सिखां दे मुद्दे चुकदी है। इंटलैक्चुअल्स नूं बुलाया गया जिन्हां कोलों विचार ले गए भी इह यूसीसी दे बारे सानूं की स्टैंड लैना चाहिए। मोस्टली लोकां दी इक्को गल निकल के आई है कि इहदे बारे हाले कोई प्रॉपर जिहड़ा है वो ड्राफ्ट तक नहीं साढ़े कोल आया। सो इस करके अपनी राइट्स नूं सिक्योर करने वास्ते एक 11 मैंबरी कमेटी बनाई गई है। मेरे को खाता ही नहीं है, मेरे को ड्राफ्टिंग नहीं है, मेरे को कोई खरड़ा नहीं है, तो मैं अपोज किस चीज़ का कराँगा? सिक्खी और दस्तार और अपना कृपाण दे उपर देखो एक किसी भी कम्यूनिटी का किसी नाल भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा। सो कानून मैनू देश का एक रहना चाहिए और मैं समझदा एक ही गल तो गुरु नानक साहब करके गए हैं। सो मैनू नहीं समझ आती कि अपोज क्यों किया गया। मर्यादा अलग अलग असी चल बन चुके हैं। सो इस चीज़ के उत्ते सानू ध्यान रखना चाहिए। जे अगर सरकारां दे नाल गलबात करनी है गुरु नानक साहब महाराज के सिद्धांत के उत्ते पैरा देइए, डायलॉग्स के उत्ते, ना कि हर जगह से आपां तलवारां खिंच के बैठे। तुसीं देख रहे हो अकाल चैनल। अज दिल्ली दे विच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक मीटिंग सदी गई हैगी जिहदे विच भारत के तकरीबन 14-15 स्टेटा के नुमाइंदे भी उहदे पहुँचते हैं। सरदार हरमीत सिंह कालका प्रधान दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मीटिंग सदी गई जो यूसीसी बारे डिस्कशन होना सीगा कि उहदे विच अहम गल्लां रहियां। गलबात करदे हां किस तरीके के फैसले अज लिते गए। देखो अज दिल्ली दे विच मैं समझदा कि एक सिखां दा इतिहास बनिया नैशनल सिख कंक्लेव। हिंदुस्तान के हर कोने चों इत्थे सिखां नूं बुलाया गया, रिप्रजेंट करदे जिहड़े कम्यूनिटी नूं, भावें उह सिंह सभावां दे विच वड्डियां या उत्थे दी कोई मिनोरिटी कमीशन नाल कनैक्टेड ने जेहड़े सिखां दे मुद्दे चुकदी है और नाल उहदे फॉर्मर जजिज़ नूं, IAS अफसर जेहड़े फॉर्मर रहे हैं और फॉर्मर बैंकां दे चेयरमैन जेहड़े है उन्हां नूं इत्थे बुलाया गया। इंटलैक्चुअल्स नूं बुलाया गया जिन्हां कोलों विचार ले गए बई इह यूसीसी दे बारे सानूं की स्टैंड लैना चाहिए। मोस्टली लोकां दी इक्को गल निकल के आई है कि इहदे बारे हाले कोई प्रॉपर जिहड़ा है वो ड्राफ्ट तक नहीं साढ़े कोल आया। कोई खरड़ा साढ़े सामने ना होए और असीं उहनूं ना प्रपोज कर सकते हैं ना अपोज कर सकते हैं। सो सरकार ने एक अनाउंस किया है कि यूसीसी असीं लागू करना है तो वो करनगे भी। सो इस करके अपनी राइट्स नूं सिक्योर करने वास्ते एक 11 मैंबरी कमेटी बनाई गई है जिहदे इख्तियार मैनू दिते हैं उन्होंने कि तुसीं एक 11 मैंबरी कमेटी फॉर्म कर दिओ और इनसे इंटलैक्चुअल्स दी लैके कल तक उन्हों डिकलेयर करांगे। और वो 11 मैंबरी कमेटी की जिम्मेवारी होएगी कि सरकार को जाके लॉ कमीशन को जाके अपनी जेडे सिखां दे राइट्स ने, सिखां दे आर्टिकल्स ने, सिखां दा आनंद मैरिज एक्ट है उहदे उत्ते कोई किंतु परंतु ना हो रही होए कोई, तो उन्होंने अपने सिक्योर करने वास्ते यह कमेटी अज फॉर्म हुई है। और लोगों के विच एक बड़ी वड्डी इस गल की खुशी सी कि पहली बार होया है कि अज झारखंड तो बंदा बुलाया गया, उड़ीसा तो बुलाया गया, चेन्नई तो बुलाया गया। वरना हमेशा होंदा है सी कि अज साड़ियां वड्डियां संस्थावां एक जगह तो फतवा जाहिर कर दिंदे सी और सारे सिखां दे उत्ते लागू हुंदा सी। उन्होंने अज सारे ने एक दसता है कि असीं सारे बैठे हाँ, साडी रिप्रजेंटेशन भी जरूरी है और सब ने बड़ी अज मैनूं खुशी है कि एक सदे दे उत्ते इत्थे पहुंचे। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੱਲ ਖੜੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੱਲ ਖੜੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ उन्होंने कोलों एक चीज़ का करड़ा हैगा सी वो क्योंकि उत्थे जिहड़ा बनिया उत्तराखंड के विच इनू पेश किया गया उहदी कमेटी दे वो मैंबर रहे ने और उहदे विच उन्होंने सानू दस्सिया कि जद असी गल कीती ना उहदी आनंद मैरिज एक्ट के उत्ते कोई किंतु परंतु हो रही है ना साढ़े आर्टिकल जिहड़े साढ़े राइट्स नू रिजर्व करदे ने कोड ऑफ कंडक्ट दे पर लैके 28 तक जिहड़ा साढ़ा आर्टिकल 25 to 28 जिहदे बारे गल करदे आ उन्हां सारिआं नू रिजर्व रखिया गया। उहदे विच कोई छेड़छाड़ नहीं कीती। सिक्खी और दस्तार और अपना कृपाण दे उपर देखो एक किसी भी कम्यूनिटी का किसी नाल भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा। एक सिविल कोड बन रहा है। सिविल कोड का मतलब है कि देश के विच कानून इको है। हुण इहदे विच एक जिहड़े मेरे कम्यूनल राइट्स ने उन्होंने मैं लॉज तो नहीं तब्दील कर सकता ना, जिहड़े मेरे अपने कस्टम्स ने मैं उन्होंने कानून नहीं बना सकता। सो कानून मैनू देश का एक रहना चाहिए और मैं समझदा एक ही गल तो गुरु नानक साहब करके गए हैं। एक कानून की एक रब की एक ब्राह्मण की गल करके गए हैं कि वो थले सारे है। सो मैनू नहीं समझ आती कि अपोज क्यों किया गया और इनू प्रपोज करने का भी साढ़े कोल कोई अज कारण नहीं हैगा। जब तक कारण सामने नहीं आएगा ना असी अपोज के हक ना प्रपोज। तुहानू की लगता कुछ पॉजिटिव है आम सिख की जिंदगी ते कोई किस तरीके का असर हो सकता है? पॉजिटिव सब तो वड्डा ते अज दी जिहड़ी मीटिंग है उहदा सब तो वड्डा जिहड़ा निकल के आया है कि हर स्टेट के सिख नू अपनी बोलण की इजाजत दी गई है। उन्होंने इतने अगर 3 घंटे मीटिंग चली है, 3 घंटे के इन्नी वड्डी डिस्कशन हुई ने कि हर एक ने अपने स्टेट के मुद्दे साडे किए ने जिहड़े सानू भी अवेयर होए और उन्होंने भी क्लैरिटी असी दी है। सो ये समझ के आया कि अज सारे हिंदुस्तान का सिख यूनाइट हो रहा है और इनू जिन्हों SGPC ने इग्नोर किया होया सी। सो अज मैं समझदा कि उन्होंने आन नाल और उन्होंने जिथे बल मिले दिल्ली कमेटी को इस गल की खुशी हुई है कि अज असी अपनी जिम्मेवारी पूरी की है। तो की लगता अलग अलग स्टेट तो रिप्रजेंटेटिव आया, अलग अलग समस्यावान भी होणगियां ते उस दे उपर कोई एकसारता बनी है कि उसनों लैके भी प्रपोजल्स जिहड़े है जिहड़ा हुण 13 जुलाई की डेट मंगी गई है जिहड़ी हैगी लास्ट डेट कि उस उन्होंने भी उहदे विच जॉइंट आउट करके भेजा जाए? नहीं देखो उहदे विच UCC के रिगार्डिंग प्रपोजल्स दे विच नहीं भेजी जा सकती जिहड़ियां भी उन्हां दी हैगियां ने और जिथे तक सानू साडी इत्थे सरकारी दरबारे कोई गल चलेगी तो असीं पूरी गल रखांगे। अच्छा एक सवाल मेरा होर रहेगा कि हजे तक 70-75 साल हो गए कोई भी सरकार होवे भावें कांग्रेस दी या BJP दी या वटैवर होर पहले भी जिहड़ी भी सिख लीडरशिप सीगी सिख परसनल लॉ दे उपर कोई प्रौढ़ता दे नाल गल नहीं। हर कम्यूनिटी दा एक परसनल लॉ है, मुस्लिम्स दा है, क्रिश्चियंस दा है, ईवन पारसी कम्यूनिटी बड़ी छोटी जी कम्यूनिटी दी है। तुहानूं लगदा है कि यह भी हजे तक जो 75 साल दी मंग सी तुहानूं लगदा है एक मौका बन सकदा हैगा एक UCC एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है? देखो बिल्कुल बन सकती है मगर अगर असीं इहनूं ढंग नाल डील करांगे। जे असीं बिना मतलब के तलवारा खिंच के बह जावांगे तो फिर कोई किसी ने कोई सुनवाई नहीं करनी। जे अगर साडा परसनल लॉ बन सकता इस चीज़ के उत्ते एक यूनीफॉर्मिटी आ सकती है कौम के विच, मैं समझदा होवे साडी अपनी कम्यूनिटी दे विच प्रॉपर यूनीफॉर्मिटी नहीं हैगी, मर्यादा अलग अलग असीं चल वंड चुके हैं। सो इस चीज़ के उत्ते सानूं ध्यान रखना चाहिए। जे अगर सरकारां दे नाल गलबात करनी है गुरु नानक साहब महाराज दे सिद्धांत के उत्ते डायलॉग्स के उत्ते ना कि हर जगह ते आपां तलवारा खिंच के बैठे। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद करें सरदार हरमीत सिंह कालका इतने मौजूद से। उन्होंने कहा 11 मैंबरी कमेटी जी बनाई गई है वो फैसला करेगी और अगे सुझाव लॉ कमीशन वही भेजेगी। सारी अपडेट नाल तुहानूं जोड़ते रहांगे, देखते रहो अकाल चैनल।